और ये जो आपको इस वक्त तस्वीरें दिखा रहे हैं, फुल स्क्रीन दिखाइए एक बार स्क्रीन, ये जो दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें, ये अंबिकापुर की तस्वीरें हैं। जैसा कि हमने इससे पहले बताया था कि जश्न मनाया जा रहा है, जोरदार तरीके से वहां पर आतिशबाजी की गई है और रात के समय आसमान जगमगा उठा है इस रोशनी से, पटाखे चलाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और जश्न मनाया जा रहा है इस फैसले को लेकर। इससे पहले भी तस्वीरें हमने कई बार दिखाई है, जब ढाई ढाई साल के फॉर्मूले को लेकर भी स्थितियां बन रही थी, तब भी सरगुजा से बड़ी संख्या में टीएस सिंहदेव के समर्थक ने इसी तरह के जश्न भी मनाए थे, इस तरह की लामबंदी भी हुई थी, कई सारे कार्यकर्ता यहाँ पर रायपुर तक पहुँच गए थे। और अब जब ये बड़ा फैसला कांग्रेस पार्टी की तरफ से लिया गया है कि डिप्टी सीएम होंगे, पहले डिप्टी सीएम होंगे टीएस सिंहदेव अब, और इसके बाद जश्न वहाँ पर मनाया जा रहा है। ये दरअसल अंबिकापुर से तस्वीरें आ रही हैं और ये तस्वीरें महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये टीएस सिंहदेव के कोठी के भीतर की तस्वीरें हैं। और ये जो बीच में शख्स नजर आ रहे हैं, ये आदित्येश्वर सिंह हैं जो कि टीएस सिंहदेव के भतीजे हैं और बहुत एक तरह से ये कहा जाता है कि साये की तरह उनके साथ लगातार ये रहते हैं, बहुत ही पार्टी के भीतर सक्रिय कहे जाते हैं उस इलाके में। अब ये उनकी प्रतिक्रिया भी निकल के सामने आई, उन्होंने ये क्या कहा है वो भी आपको सुनाते हैं और उसके बाद फिर इनके संदर्भ में, इनकी भूमिका के संदर्भ में भी बातचीत करेंगे। एक बार सुनिए। वेणुगोपाल जी का एक पत्र अभी सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त भी हुआ, हम लोग भी देखते हैं, जिसमें इसकी पुष्टि की गई कि डिप्टी सीएम के पद पर काम करने का मौका दिया जाएगा। सरगुजा संभाग के लोगों के प्यार और आशीर्वाद से ही ये मुमकिन हो पाया है, लोगों ने ही उनको इस मुकाम तक पहुंचाया है। और जिस तरह वो हमेशा अपने हर पद का, हर जो भी उनको जिम्मेदारी मिली है, उसका निर्वहन करते आए हैं।